नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्रो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर कैसे बने। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए पूरी जानकारी यहां पर आपके लिए बताने वाले हैं, क्योंकि हमें लगातार स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएएस को सैलरी कितनी मिलती है और आईएएस बनने के लिए कितने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, और आईएएस बनने के संबंध में तमाम जानकारी यहाँ पर स्टूडेंट कमेंट में पूछते रहते हैं। तो फाइनली आप सभी की जानकारी और आपके सारे डाउट क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं या आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से अवश्य देखना। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने वाले हैं या आईएएस अधिकारी बनने वाले हैं तो आपके पास ये जानकारी अवश्य होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जानकारी हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा आईएएस का कार्य क्या होता है। तो आईएएस का कार्य क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप एक आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको कार्य के बारे में नॉलेज नहीं होगी क्या कार्य होता है तो तब तक आप आईएएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, या आपको उसके संबंध में जानकारी होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस का कार्य होता है संसद में बनने वाले कानून को अपने क्षेत्र में लागू करना, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नए कानून और नई नीतियों को लागू करने के संबंध में भी अहम भूमिका यहाँ पर आईएएस अधिकारी की रहती है। और इसके अलावा काफ़ी सारे कार्य यहाँ पर आईएएस अधिकारी के रहते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आईएएस के लिए योग्यता होनी क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है आईएएस के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप एक आईएएस अधिकारी बन रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं या आप बनने का सोच रहे हैं तो आपके पास क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो आपको 10th क्लास अच्छे से पास कर लेना है, और इसके बाद में 12th क्लास आपको पास करना है। अब आप सोच रहे होंगे हम किस सब्जेक्ट से 12th क्लास पास करें, क्या हम साइंस से पास करें या फिर कॉमर्स से करें या फिर आर्ट्स से करें। तो यहाँ पर आप किसी भी स्ट्रीम के साथ जा सकते हैं, आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास पास करना है। कोशिश करना है कि आपकी अच्छी परसेंट बने, और आप 10th लेवल जब आप 10th पास करें तब से ही आपको अच्छी मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए अगर आप एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बनने का सपना लेकर फॉर्म डालते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 100 ही सीट, यानी कि मान लो कि जहाँ पर लाख विद्यार्थी उस चीज़ के लिए फॉर्म डाल रहे हैं और मान लीजिए 100 सीट हैं, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्पिटिशन है, यानी कि लाख विद्यार्थी से आपको कॉम्पिटिशन है, लाखों विद्यार्थी से आपका कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए आप 10th लेवल से ही यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है, डीपली आपको सब्जेक्टों को समझना है, पढ़ना है, और NCERT पर आपको विशेष फोकस रखना है। NCERT बुक्स छठवीं से ही लेकर आपको अच्छे से NCERT बुक्स को पढ़ना है, छठवीं से लेकर 12th तक की जितनी भी NCERT बुक्स हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, डीपली समझना है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 12th क्लास पास करना है, और आप कोशिश करना है जितनी अच्छी परसेंट से आप पास करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई परसेंट फिक्स नहीं है कि आपकी अच्छी परसेंट बनेगी तब आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, यहाँ पर परसेंट बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन, यानी कि आप जब आप 12th क्लास पास करते हैं इसके बाद में आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आपको ग्रेजुएशन कर लेना है। कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री अवश्य लेना पड़ेगा, तब जाकर आप योग्य बनोगे आईएएस अधिकारी बनने के लिए, परीक्षा देने के लिए। और आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको 10th पास करना है, फिर 12th करना है, और फिर आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। जब आपकी ये तीनों प्रोसेस पूरी हो जाती हैं तब आप योग्य हो जाते हैं परीक्षा के लिए, आप UPSC IAS की परीक्षा देने के लिए योग्य हो जाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है
आईएएस बनने की प्रक्रिया। तो अब आईएएस बनने की क्या प्रक्रिया है और किस किस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूपीएससी में आईएएस के एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एग्ज़ाम परीक्षा के लिए अप्लाई करोगे तो इसके बाद में आपके दो एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होते हैं आईएएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम यानी कि जो कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, और इसके बाद में होता है आईएएस मेंस का यानी कि मेंस एग्ज़ाम होता है, और इसके बाद में होता है इंटरव्यू। ये तीन प्रोसेस रहती हैं एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए, और इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको अच्छे एनसीईआरटी पर फोकस अच्छे सा रखना है, जैसे कि सिक्स क्लास से जो एनसीईआरटी बुक्स आती हैं सिक्स लेकर ट्वेल्थ तक, उन सभी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर आईएएस का जो सिलेबस होता है उसको आप देख सकते हैं। आईएएस का सिलेबस अगर आप कमेंट में करते हैं क्या सिलेबस होता है आईएएस का, तो वो हम आपको लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं। अगर आप कमेंट देखना चाहते हैं सिलेबस तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही आपका प्रीलियम्स कंप्लीट हो जाता है, प्रीलियम्स आप क्वालिफाई कर लेते हैं, निकल जाते हैं, तो आपको मेंस में निकलना पड़ता है। मेंस में आपको अच्छी मेहनत करके निकल जाना है। इसके बाद में जब आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में इंटरव्यू लिया जाता है। जब आप इंटरव्यू को भी पास कर लेते हैं तब आप आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में निकलने के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है और आपकी पोस्टिंग हो जाती है। और इसके बाद में आईएएस बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की यहाँ पर यही सवाल होता है कि आईएएस अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको कितनी से कितनी एज तक आप यहाँ पर आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं। तो आईएएस की जो परीक्षा है 21 से लेकर आप 32 वर्ष की एज में आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस हैं। अगर आप जनरल में हैं तो 21 से 32 वर्ष एज के बीच में आप परीक्षा दे सकते हैं, इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 32 वर्ष है। और ओबीसी बालों के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, और इसके बाद में एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रयासों की संख्या यानी कि अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि आप कितनी बार यहाँ पर यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं, आईएएस अधिकारी की परीक्षा दे सकते हैं। तो वो है जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट हैं, और EWS वालों के लिए यहाँ पर 6 अटेम्प्ट है, और इसके बाद में OBC वालों के लिए यहाँ पर 9 अटेम्प्ट है। और इसके अलावा जो SC ST के हैं उनके लिए यहाँ पर अनलिमिटेड हैं, और वो कितनी भी बार परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय सीमा यानी कि एज लिमिट है, वो आपको मैंने ऊपर ही पहले ही बता दिया। और इसके अलावा 99% स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि IAS ऑफिसर को इतनी बड़ी पोस्ट पर कितनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आईएएस जो ऑफिसर रहता है उसकी मूल सैलरी की अगर हम बात करें, अगर आपकी स्टार्टिंग में आईएएस अधिकारी की जॉब लग जाती है तो आपको यहाँ पर मूल सैलरी यहाँ पर कितनी मिलेगी, यहाँ पर 56,100 से स्टार्ट होती है और 2,50,000 रुपये तक जाती है। और यहाँ पर जो सैलरी है ये मूल सैलरी है, और यहाँ पर थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी आईएएस ऑफिसर बनने के संबंध में कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करके बताना, और साथ में अगर आपको आईएएस अधिकारी बनना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर देना है आप किस क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आईएएस अधिकारी के संबंध में अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।